सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट है जो हिंदुस्तान टाइम्स जिसका ब्रॉडकास्ट पार्टनर है, उसमें एज अ राउंड टेबल के एक मेंबर जा रहे हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे एडटेक के बारे में। और मैं जा रहा हूं, अभिषेक जा रहा है। अभिषेक इधर है, अभी थोड़ा बिजी है, अभी बिजी है, गाड़ी चला रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं और पीछे में उज्ज्वल भी है हमारे साथ में, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज और फोटोज लेंगे और हमारे साथ में रहते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं इवेंट में क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए आपको मिलते हैं अब इवेंट के अंदर में। अभी हम लोग बेसिकली लिख रहे हैं और इसके बाद हम लोग का चालू हुआ इवेंट। इस इवेंट के अंदर में उज्ज्वल अलाउड नहीं है क्योंकि क्लोज रूम डिस्कशन है, वो मेरी वीडियोस आपके इवेंट के अंदर की नहीं मिलेगी, पहले की मिल जा रही है। और हम लोग स्टार्ट तो भैया अंदर जो है बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी टाइट था, तो वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए बहुत ज्यादा, बट मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ कैसा रहा। तो जब हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पे जाके बैठे और वहाँ पे पहले माइक्रोसॉफ्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि सेशन किस चीज़ के बारे में है। सो अंदर बैठे हैं और उसके बाद में वहाँ पे से जो मॉडरेटर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा 20 साल से टेक में वो थी, एजुकेशन में थी और बहुत सारी कंपनी के साथ में, गवर्नमेंट्स के साथ में काम किया और बहुत ही अच्छे लेवल पर उन्होंने काम किया। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और पहले बताया कि ये किस चीज़ के बारे में है और एडटेक इंडस्ट्री के थोड़ी इनसाइट दी हैं। एंड देन उसके बाद में पहला क्वेश्चन मेरे पास में आया कि भाई एडटेक के अंदर में जो ग्रो हो रहा है वो क्यों ग्रो हो रहा है, और उसके बाद में आपका ग्रो होने के बाद में अगर हम लोग बात करें तो और उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसमें और भी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो उसमें तकरीबन 5 मिनट के लगभग में मैंने उनको बोला और बताया कि भाई ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें इम्प्रूव लोग कर सकते हैं। उसमें से मेनली सपोर्ट सिस्टम के ऊपर में चीज़ें थी और दूसरी थी कि मोटिवेशन ऑफ लर्निंग, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई जाते हैं तो मोटिवेशन ऑफ लर्निंग नहीं होती है, एक आपको बोले कि एक सामाजिक टाइप से जो हम लोग का लर्निंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि स्क्रीन से चिपके रहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात की और मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात मैंने पैसे के अलावा मैंने इसके बारे में बात की कि टाइम का इन्वेस्टमेंट जो था एडटेक ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। जो कोर्स सीखने आपको 4 साल लगते थे आपको 6 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देता है एडटेक। उन सब चीज़ों के बारे में बात किया। देन अगेन अगले कुछ जो लोग हैं उन तक, वहाँ तक अगले जो हमारे मेंबर्स थे, जो बेस टीम मेंबर्स थे, उनके पास में गया और अलग अलग जो CEO है अलग अलग एडटेक कंपनी के, उन्होंने अपना अपना राय दिया अलग अलग टॉपिक के बारे में। और बीच में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि ChatGPT का भी नया वर्जन कुछ लोग लेके आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, उसका कैसे एजुकेशन के अंदर में यूज़ कर सकते हैं या उसका डिफरेंट केस स्टडीज़ के बारे में समराइज करने में, और बहुत सारे केस स्टडीज़ के बारे में वहाँ पे हम लोग ने बात किया। और उसके बाद में स्टार्ट हुआ सेशन, अभिषेक वर्मा का सेशन स्टार्ट हुआ और उनसे पूछा गया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी एडटेक को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल और स्केलेबल लेवल पर क्या मॉडल होना चाहिए किसी भी एडटेक बिजनेस का, एक ताकि वो एक प्रॉफिटेबल और स्केलेबल लेवल तक जा पाए। तो आपका क्या आंसर था इसके बारे में? प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ, प्रोडक्ट क्वालिटी तो डेफिनेटली टेक में टेक के साथ इंटीग्रेट करके इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि सपोर्ट बहुत लैगिंग पॉइंट है। तो सपोर्ट को कैसे टेक के यूटिलाइजेशन से ही, टेक के यूज से, जैसे जो हमने जो ChatGPT का वर्जन देखा था, एक नया यूटिलिटी देखा था, तो उसके भी हेल्प से कैसे सपोर्ट को एनहांस कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, तो यही था। इस पर अच्छा डिस्कशन था सपोर्ट और इमोशनल कनेक्ट के बारे में भी आपने कुछ बोला था, इमोशनल कनेक्ट भी था उसमें,
कि ऑलरेडी इंडिया की जो ऑडियंस होती है हमारी एंड स्टूडेंट बेस खासकर तौर पर ये बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं, तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जो एडटेक में लोग मतलब कोई फेस नहीं होता बात करने वाला, गाइड करने वाला, तो ये सारी कम्युनिकेशन गैप दूर हो सकती है टेक के हेल्प से, इसी पॉइंट पर बात हुआ। राइट, सो अभी तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, और इसी के साथ में हम लोग का ये सेशन ख़त्म हुआ। फिर 5-star होटल था, खाने पीने का इंतज़ाम था, पीने वाले लोग तो हम लोग हैं नहीं, बट खाया पिया हम लोगों ने अच्छे से, काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी अच्छे से खातिरदारी हुई, और उसके बाद में हम लोग फाइनली अभी जा रहे हैं वापस अपने ऑफिस में जा रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, और वहाँ पे बैठ के कुछ काम है, वो काम करके फिर शाम में हम लोग निकल जाएंगे। आई होप आपको ये जो है कुछ फ़ोटोज़ जो हम लोगों ने खींचे थे वो फ़ोटोज़ मैं डाल दूंगा बीच बीच में, और आप लोग उसको देख लेना कैसे कैसे हुआ था, कैसे सेशन का सेटअप था, या कोई भी चीज़ें कैसी थी, और आपको मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग के अंदर में, और